मैम यहाँ पे सही है सर 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 यहाँ पे सर मैम आप करवा रहा हूँ प्रयास करवा रहा हूँ अजय चलो पीछे चलो गाइस वी आर डन नाउ चलो चलिए भाइयों चलिए एक मिनट डब्ल्यू ओ निकाला जाए तो मैन निकल के आता है और कहीं ना कहीं ये मेन ही कारण है अबाउट दिस एसिड अटैक व्हिच इज रियली सैड। मुंबई में शायद जनता सेफ है, लड़कियां सेफ है, मगर देश के कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसी गलियां हैं, कई ऐसे कोने हैं जहां पे आज भी हमारी बेटी बहू बहन जो है वो सेफली घर नहीं पहुंच पाती है व्हिच इज रियली सैड। और अनिनी के साथ मैं चाहूंगा हमारे जो अगले गेस्ट हैं बंजू लता लोधा जी, मैं चाहूंगा एक अच्छी वक्ता, एक लेखिका, एक पोएटिस, मंजू जी प्लीज आप भी मंच पे हैं, जोरदार तालियां मंजू लता जी के लिए। अनिसी के साथ विवेक सिंगल जी, मैं चाहूंगा कि सर आप प्लीज मंच पे आए, जोरदार तालियां हो जाएं। विजय सिंगल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। एंड बेसिकली एक रेप्यूटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है और आप जैसे देख ही सकते हैं कि काफी रिच लुक है। सो ये हमारे इस वीडियो के प्रोड्यूसर हैं, जोरदार तालियां हो जाए मेरे प्रोड्यूसर साहब के लिए, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट अ वेरी स्पेशल गेस्ट, मैं चाहूंगा मंच पे बुलाना संघमित्रा वालिया जी को, जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए, हु इज अ निफ्ट टॉपर 96 बैच, क्या बात है, इन फैशन डिजाइनिंग एंड ऑल्सो इंटीरियर डिजाइनर, ओनर ऑफ लिटिल स्कॉलर अकेडमी, अ स्कूल वेयर द जो स्टूडेंट्स की फीस है वो गरीब बच्चों को दी जाती है उनकी पढ़ाई के लिए, आई थिंक बहुत बड़ी बात है। जोरदार तालियां मैं चाहूंगा, एनर्जी के साथ होनी चाहिए, जो नहीं करेगा उसको माता रानी का बाप लगेगा, और कोरोना वायरस की जो बात करते हैं उनको वो भी खैर वो नहीं होगा, मजाक कर रहा हूँ। एनी विच वेज मैं चाहूंगा कि दिया लाइटिंग हो जी जी बात वो अमृता जी भी जल्दी आएंगी, हम थोड़ा सा धीरे धीरे चाहेंगे कि वो सामने आए। सो राजीव जी और मैं चाहूंगा हमारे सभी गेस्ट मैं चाहूंगा इस लाइटनिंग के साथ एक बार फिर से तालियां हो जाएं ताकि माहौल जो है बरकरार रहे। अरे बैठ स्टिल, मंजू लता जी मैं चाहूंगा कि बार विजय जी जोरदार तालियां हो जाए एक बार ताकि हम इस महफिल की आगे शुरुआत करें। एक पिक्चर पिक्चर के लिए स्टिल सो इसके साथ साथ मैं अधिक पिक्चर चलती रहेंगी। सवाल पूछ सकते हैं अभी? हाँ तो ठीक है, मैं एक एक सवाल पूछना चाहूंगा। पहले मैं चाहूंगा लक्ष्मी जी इस महफिल के बारे में, ये जो वीडियो अभी जल्दी हम दिखाएंगे आपको और सभी मीडिया वालों को, सभी गेस्ट को, इसके बारे में एंड इस माहौल के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ शब्द? आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे अंदर हैं, इनके अंदर हैं, बट कुछ आप कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, जब जागो तभी सवेरा, और चाहे वो दिन हो या रात हो, कांग्रेचुलेशंस अमृता जी, बहुत खुशी हुई कि आपने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया। डोनाल्ड जो कि हम बहुत टाइम से बहुत सालों से दोस्त हैं,
मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इस टॉपिक का हिस्सा बनी. मुझे कभी नहीं सोचा था मैंने कि आप इसका हिस्सा भी बनेंगी. और आज वुमेंस डे है और पर लेकिन आज मैं इक्वालिटी डे मना रही हूँ क्योंकि इसलिए क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो क्राइम है, अगर हम सिर्फ वुमेंस के लिए ही लड़ाई लड़ेंगे तो लड़कों के लिए कौन लड़ेगा लड़ाई. तो जो एक वुमेंस के लिए बेचारी वाला जो बर्ताव है, हमें उस चीज़ को ख़त्म करना होगा. दूसरा ये कि आप विक्टिम बोल रहे थे, मैं इस वर्ड के एकदम खिलाफ हूँ. और क्योंकि हमें विक्टिमाइजेशन करने का कोई अधिकार नहीं है, ना विक्टिम बनने का अधिकार है. जब मैंने खुद को बाहर निकाला था तो मैंने एक ही बात सोची थी कि ना मैं कभी विक्टिम थी, ना हूँ, ना कभी बनूंगी, ना किसी को बनने दूंगी. और ये सारी चीज़ें अमृता जी, आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर आके इन सारी चीज़ों को बदल रहे हैं, बता रहे हैं. क्योंकि मुझे मैंने आपकी फाउंडेशन के बारे में सुना, क्योंकि आप इक्वालिटी पे ही काम कर रहे हैं, सिर्फ एसिड अटैक सर्वाइवर गर्ल्स के लिए ही नहीं, लड़कों के लिए भी काम कर रहे हैं मैंने देखा. तो मुझे काफ़ी खुशी हुई है क्योंकि अटैक जब लड़कियों पे होते हैं तो लड़कों पे भी होते हैं, सारे जेंडर पे होते हैं. तो यही कहूँगी कि आज इक्वालिटी डे मनाए और इसको ऐसे ही बरकरार रखें. कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए. अंजू जी, मैं चाहूँगा कुछ आप शब्द कहें आज इस महफिल को लेकर. बहुत सारे सवाल बाद में पूछे जाएंगे, मगर फिलहाल जो आप कहना चाहें. सबसे पहले तो मैं अमृता जी का धन्यवाद करती हूँ, आज इन्होंने यहाँ पर आमंत्रित किया. और सच कहूँ तो मेरी प्रेरणा है वो, इनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ. क्योंकि जब इनके पति चीफ मिनिस्टर बने तो ये चाहते तो आराम की एक ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को सोशल में अपनी जिम्मेदारियाँ समझी और ज़रूरतमंदों के लिए बहुत आगे आई. और हर कार्य में ये आगे हैं और आज उनका एक अलग रंग हमें और देखने को मिलेगा. और लक्ष्मी जी के जज्बे को मैं बहुत सलाम करती हूँ. इनके अंदर जो हिम्मत है उसको, ये मतलब ये है कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं. तो आपके इस जज्बे को सलाम. अमृता जी का और राजीव जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, जो अच्छा कॉन्सेप्ट था उसमें बनाया गया. और नारी तो नर नारायणी की जननी होती है नर की, तो लक्ष्मी जी जो है वो कमजोर नहीं है, मतलब लेडीज जो होती है कमजोर नहीं होती है. तो इसीलिए जो सब लोगों का वो करना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए, लेडीज़ को कमज़ोर नहीं समझ के उसको आगे बढ़ाना चाहिए. हर आपको उसके है उसके लिए तो सब धन्यवाद. धन्यवाद सुमित्रा जी. कुछ कुछ शब्द प्लीज कहें. थैंक यू, जोरदार तालियां हो जाए हमारे गेस्ट के लिए. मैं चाहूँगा इसके साथ हम आगे आगाज़ करेंगे, बाकी के शुक्रिया प्लीज़ अपनी फिलहाल सीट ले सकते हैं. एंड जोरदार तालियां मुझे लगता है लक्ष्मी जी उनके लिए भी होनी चाहिए जो वुमेंस डे पे आज अपने स्पेशल सामान को थोड़ा टाइम एक्सक्यूज मी कह के आए हैं. उन सभी मेंस के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, वी टेकन टाइम आउट ऑन वुमेंस डे. एंड आज
Gopal, kya performance? What a lovely performance. What a brilliant Odissi performance we just saw. And maza aa gaya. Iske saath hi hum yes, thoda sa aapko intezaar karna padega to have this alag mera ye rang hai ka video aapko dikhaya jayega jaldi. But usse pehle main chahta hu ki jinhone ye video banaya hai, a video director, bahut lamba unhone kaam kiya hai, kafi zyada unhone achieve kiya hai. So introduce karna chahunga apne andaaz mein the director of this video taki unse kuch baatcheet kar sake. Jinhone banaya Betiyan with 18 Bollywood stars which crossed 1200 million views. Matlab all over digitally, phir wo Facebook ho, Instagram aur jo kul mila ke 1200 million jo hai wo paar kar chuka hai. The biggest social song starring Ajay Devgan, Sonakshi Sinha, Shilpa Shetty, Sushmita Sen, Hema Malini ji, John Abraham and bahut sare sitare. Indian national anthem, I'm sure jo aapne dekha hoga, with 60 Bollywood stars which ran in तकरीबन 2000 सिनेमाघरों में इन महाराष्ट्र फॉर थ्री लॉन्ग ईयर्स. लॉस्ट इन लव, अ सोशल इंटरनेशनल फिल्म ऑन एड्स अवेयरनेस, अ सीरीज ऑफ फिल्म्स ऑफ सेव द गर्ल चाइल्ड एंड मिशन इंद्रधनुष. जो टीवी सीरीज आपने देखे होंगे, इंट्रोड्यूस बाय हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी. एंड इसके साथ साथ उनकी जो फिल्म आई थी हाल ही में अरबाज खान सनी लियोन के साथ, तेरा इंतजार, उसके बाद धड़के दिल बार बार, बहुत सारी एड फिल्म्स, तमाम वीडियोस किए हैं. द बिगेस्ट सोशल वीडियो मेकर, फिल्म मेकर, लेडीज एंड जेंटलमैन, अनअपोलोजेटिकली डैपर राजीव वालिया. क्या बात, क्या बात. सर, इससे पहले कुछ और सवाल पूछूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने इतना सोशल काम किया है, समाज के लिए आपने इतना सारा काम किया है, एंड देन अल्लाह जी हमारे साथ हैं, तो ऐसे में वीडियो के बारे में बात करेंगे, मगर बॉलीवुड के बाद अगला पड़ाव जो है वो राजनीति होता है ना, तो क्या राज्यसभा में आपका टिकट जो है वो फिर लगता है कि वहां से क्या राज्यसभा का तो मुझे पता नहीं, लेकिन लोगों के दिलों का टिकट मैं जरूर लेना चाहता हूं. तालियां हो जाए जवाब के लिए. बहुत बढ़िया सर. सो जोक से बात, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो इतना बेहतरीन वीडियो है जो अभी बस कुछ ही पलों में हम देखने वाले हैं, इसका आइडिया, इसका जो कॉन्सेप्ट आपके जहन में कैसे आया? एक्चुअली मैंने बहुत सारे सोशल, मैं सोशल वीडियोस इसलिए करता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है जी. कमर्शियल काम तो हम लोग करते रहते हैं, एड्स, डॉक्यूमेंट्री, वो सब चलते रहता है, लेकिन सोशल जैसे मैंने बेटिया किया था जो सबने देखा है, नेशनल एंथम, फिर बहुत सारे वीडियोज किए थे. मैं अमृता जी से हम लोग का 3 साल पहले कुछ डिस्कशन हुआ था, तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया था ऑन एसिड अटैक विक्टिम्स, तो उस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा उस टाइम पे नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, उसके बारे में बताया, उसके डेप्थ के बारे में मुझे समझाया, फिर हम लोग का वो डिस्कशन होता है क्यों ना हमने इस टॉपिक पे एक गाना कर लो, एक सोशल वीडियो कर लो. और 3 साल पहले ही अमृता जी आपको खुद बताएंगे कि 3 साल पहले हम लोग ने एक ट्रैक रिकॉर्ड किया, फिर इस तरह से फिर आई एम श्योर काफ़ी लोगों के जहन में सवाल होगा कि क्या छपाक देखने के बाद ये वीडियो आया, हालांकि आधा जवाब तो आपने दे ही दिया. नहीं, छपाक तो अभी बनी है, 1 साल पहले, 6 महीने, 1 साल पहले स्टार्ट हुई, लेकिन ये टॉपिक मुझे अमृता जी ने 3 साल के नहीं, 3.5-4 साल पहले बताया था. क्या बात, हम लोग ने तब गाना रिकॉर्ड किया था, लेकिन फिर वो भी बहुत बिजी थे, मैं भी बिजी था, और फिर मतलब वो चीज़ें बन नहीं पाई, तो सडनली हम लोग ने अभी दो महीने पहले डिसाइड किया, विजय जी को इन्वॉल्व किया, विजय जी ने प्रोड्यूस किया वीडियो, और सडनली हम लोग ने शूट करके फिर अमिताभ जी ने बोला कि वुमेन्स डे पे हम लोग रिलीज कर देते हैं, बन गया वीडियो उस तरह. क्या बात है, व्हाट अ वुमेन्स डे 2020. जोरदार तालियां हो जाए फॉर दिस ब्रिलियंट डायरेक्टर राजीव वालिया. सर, थैंक यू सो मच. मैं चाहूंगा कि प्लीज आप तशरीफ सीट पर रखें, एंड इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे वेरी स्पेशल गेस्ट वी हैव, जो इवेंट किंग के नाम से जाने जाते हैं, एंड मैं चाहूंगा कि वीडियो जो है थोड़ी देर में दिखाया जाएगा. भारती जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए प्लीज. भारती जी हमारे बीच में आ चुकी हैं, एंड मजहर जी, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑन NSCI डोम, द किंग ऑफ इवेंट्स. गिव इट अप लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर दिस जेंटलमैन. हाय, वार्म वेलकम. सो यू कॉल्ड किंग ऑफ इवेंट्स एंड यू हेयर इन दिस इवेंट, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? Well, good afternoon, everybody, and thank you for calling me here. It's a great opportunity to have been joined to such a, it's a very noble cause. So what we have is, we have these people who have actually gone through a lot,
and you know, joining hands with it's been such an opportunity that I've got this opportunity to join hands with Amrita ji, Fadnis ji, and of course Rajiv Bhadia, who's again a great director. You know, these people, they have actually been given names not as victims but victors by them, and it is because ये वो वक्त से गुजर के बाहर निकले हैं जहाँ से इन्होंने एक्चुअली वो मुश्किलें पार की है और आज ये दुनिया फेस करने के लिए रेडी है इनके सपोर्ट से. और हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि हम इन सब को सपोर्ट करें जो भी अपने यू नो इन आवर ओन लिटिल वेज. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. वेल सेड बाय किंग ऑफ इवेंट्स. थैंक यू सो मच. मैं चाहूँगा प्लीज अपनी सीट पे तशरीफ रखें क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है, वक्त की वो घड़ी आ चुकी है जिसका हमें बेसब